हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पालड़ी जोड़ में समुद्र हिलोड़ने की रस्म से पहले बहनों ने तालाब की परिक्रमा की। 45 साल बाद करीब 2100 बहनें संबंध हिलोड़ भाई की खुशहाली की कामना करेंगी। सुमेरपुर उपखंड के पालड़ी जोड़ गांव में 29 अगस्त को 36 कौम के ग्रामीणों की होर से होने वाले तालाब पूजन संबंध हिलोड़ना को लेकर रविवार सवेरे सभी बहने गाँव स्थित पाठ नारायण जी मंदिर से तालाब की परिक्रमा करने रवाना हुई। ढोल की थाप के साथ मंगल गीत गाते हुए बहने तालाब पहुँची, जहाँ पंडित द्वारा पूजा अर्चना करवाई गयी। इसके बाद बहनों ने करीब 2 किलोमीटर तालों के चारों ओर परिक्रमा। गांव ठाकुर अजयपाल सिंह ने बताया कि 45 साल बाद गांव में तालाब पूजन परिक्रमा आयोजन हो रही है, जिससे लेकर बहनों में खासा उत्साह है। 2100 बहनें संबंध हिलोड़ भाई की खुशहाली की कामना करेगी, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन में प्रशासनिक स्तर पर सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा, साथ सरपंच महेंद्र मेवाड़ा समेत गांव के प्रबुद्ध जनों ने SDM तहसीलदार डिस्कॉम AN पुलिस पालिका प्रशासन व चिकित्सा विभाग को ज्ञापन दिया है। पूर्व प्रधान मेवाड़ा ने बताया कि पूजन के दिन बिजली कटौती ना हो, साथ ही गोता पुलिस जाप्ता प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए प्रशासन से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सभी ग्रामीणों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। आयोजन को लेकर रविवार शाम को दूर दराज क्षेत्र से बहनों के भाई समेत परिजन पहुंचेंगे, जहां रात में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसके दूसरे दिन यानी सोमवार को सवेरे गाँव के बाहर स्थित हाबर्ती तालाब पर संबंध हिलोड़ने की रस्म अदा की जाएगी। सरपंच महेंद्र मेवाड़ा ने बताया कि पालड़ी जोड़, बापू नगर, नेहरू नगर आदि गाँवों से करीब 2100 बहने तालाब पूजन में भाग लेगी। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर तालाब पर CCTV कैमरे और पूजन के लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं, ताकि कोई पानी में ना डूबे, और गार्ड और ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी, लूटपाट की घटना ना हो। हर समाज से 10-10 स्वयंसेवी संगठन पूरी तरह से चाक चौबंद रहेंगे। जागरूक TV के लिए सुमेरपुर से शंभुलाल परमार की रिपोर्ट।